आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे विनाशकारी तूफान के वीडियो को लेकर आम जनमानस में एक घबराई हुई सी स्थिति बनी हुई है। हमेशा की तरह हमने भी एक विनाशकारी तूफान के संबंध में पड़ताल की तो पाया कि ऐसा कोई भी तूफान आगामी दिनों में गोरखपुर सहित आसपास में नहीं आने वाला है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज की विशेष रिपोर्ट। गोरखपुर न्यूज का हमेशा ये प्रयास रहता है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर अफवाह या खबर तेजी से वायरल हो रही है तो उसका अपने स्तर पर छानबीन करें और पड़ताल में पाए जाने वाले सच को अपने दर्शकों के सामने रखें। अभी कुछ ही दिनों पहले मौसम विभाग की ओर से जारी एक वायरल चिट्ठी की पड़ताल की गई थी और उसके बारे में जनता से अपील भी की थी कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक ऐसा ही एक वायरल वीडियो जो कि किसी विनाशकारी तूफान का जरूर लगता है पूरी तरह से लोगों के जहन में घर कर गया है। लोग डर से इतने ज्यादा सहम गए हैं कि इस वीडियो के वायरल सच को हमने जानने का प्रयास किया और अपने पड़ताल में पाया कि ये वीडियो कहीं और का है और इसको जोड़कर अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है। इस संबंध में हमने अपने मीडिया धर्म का पालन करते हुए मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता से बात की तो उन्होंने बड़े धैर्य से हमारे सवालों के जवाब दिए और कहा कि इस तरह का कोई भी तूफान आगामी दिनों में गोरखपुर या पूर्वांचल में नहीं आने वाला। अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें जिसमें गोरखपुर भी शामिल है, वहाँ पे लगभग मौसम सामान्य रहने की संभावना है। ऐसा कुछ तूफान जैसा कोई अभी संभावना नहीं है कि वहाँ पे हो और जिसे पैनिक हो। सर ये क्या बारिश वगैरह भी आंधी तूफान की भी थोड़ा बहुत है क्या संभावना अगले 24 घंटे में? ऐसे मतलब आंधी तूफान जैसा कुछ नहीं है। जैसे अभी तो गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में कुछ बीच बीच में तेज हवाएं चलना आम बात है, तो इस तरह की हवाएं चल सकती हैं, लेकिन तूफान जैसा जिससे कि नुकसान हो ये ऐसी संभावना नहीं है। पैनिक करने की सर जरूरत नहीं है, पैनिक की आवश्यकता नहीं है, खास करके आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिसमें गोरखपुर डिवीजन भी शामिल है।